दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोगों का स्वागत है अनुराग शास्त्री में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हम सभी की कुंडली में बनने वाले जुआ, सट्टा या लॉटरी के योगों के बारे में। दोस्तों, ये योग 1 लाख में से कुछ 5 या 10 कुंडली में ही बनते हैं, ये योग सभी कुंडली में नहीं बनते। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से योग होते हैं, कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं, कौन से हाउसेज होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं जुआ, सट्टा, लॉटरी या अनसर्टन गेन मिलने के लिए। दोस्तों, मैंने यहाँ पे मेष चक्र की कुंडली बनाई हुई है, ये एरिस एसेंडेंट की कुंडली है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जुआ, सट्टा, ये सब जो चीजें होती है, लॉटरी जो चीजें होती है, शेयर मार्केट, इसमें हमें अनसर्टन सडन गेन मिल जाता है। इन सब में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा लक। हमारा लक जब बहुत स्ट्रांग होगा तो ही हमें ये चीजें मिलेंगी। तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है यहाँ पे हमारे लक का हाउस कौन सा है। हमें देखना है हमारा भाग्य स्थान जो है हमारा 9th हाउस, काल पुरुष की कुंडली में 9th हाउस ये भाग्य स्थान होता है। और फिर हमें देखना है मोस्ट इम्पोर्टेंट हाउस इज 5th हाउस। तो अब 5th हाउस क्यों, देखो अगर हम बात करें कि 9th हाउस तो लक का हाउस है, तो हम 5th हाउस क्यों लेते हैं? क्योंकि दोस्तों, भावानुगम के हिसाब से कोई भी हाउस से उतनी ही गिनती की हाउस करने पे वो लव वो हाउस की हमें स्ट्रेंथ पता चलती है। जैसे कि नाम 9th हाउस है तो भावानुगम वो हाउस से उतने ही नंबर का हाउस, मान लेते हैं 9th हाउस से 9th हाउस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हुआ 5th हाउस। और 5th हाउस ये डिनोट करता है शेयर को, सट्टे को, लॉटरी को। और यहां से 5th हाउस भावानुगम नियम के हिसाब से 1 2 3 4 5 ये हुआ 9th हाउस। तो दोस्तों, ये दो हाउसेस जो होते हैं ये हमारे लक के लिए और लॉटरी के लिए बहुत ज्यादा फेवर करते हैं। अगर आपके दोनों हाउसेस स्ट्रांग होंगे, मान लेते हैं भाग्यस्थान में भाग्यस्थान का स्वामी होगा, पंचम भाव में पंचम भाव का स्वामी होगा, तो आपको बड़ा लॉटरी लगने के योग है, बड़ा सट्टा लगने के योग है। अगर आपके ये दोनों हाउसेस में से कोई भी एक हाउस स्ट्रांग होगा तो आपको छोटे लेवल की लॉटरी लगेंगी, आपको छोटे लेवल का यश मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपका लग्न स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका लग्न स्ट्रांग नहीं होगा और आपका 9th हाउस 5th हाउस स्ट्रांग होगा तो आपको पैसा जरूर आएगा, लेकिन कुछ लीगल वेज के थ्रू आएगा। लेकिन ये जो लॉटरी सट्टा होता है इसमें लग्नेश का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि लग्नेश यहाँ मैंने एग्जॉल्टेड लिखा है 10th हाउस में। अगर ये एग्जॉल्टेड ना भी होता है, अगर ये कोई भी त्रिकोण या केंद्र में भी स्थित होता है तब भी आपका लग्न स्ट्रांग है तो आपको ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। दोस्तों, फिर बात करते हैं अनसर्टन गेन की। ये तो अनसर्टन गेन हुआ। दोस्तों, उसके लिए हमें देखना पड़ता है 8th हाउस। अगर आपका 8th हाउस स्ट्रांग हो तो ही आपको लग अच्छा होने पर भी आपको गेन मिलेगा, वरना आपको गेन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपका 8th हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। आपका 8th हाउस अस्त नहीं होना चाहिए, ये नीच अवस्था में या कम डिग्री में, 0 डिग्री में, 28-29 डिग्री में नहीं होना चाहिए। आपका लग्न स्ट्रांग हो, आपका 5th और 9th हाउस स्ट्रांग हो, अनसर्टन गेन का हाउस स्ट्रांग हो, अगर ये सभी फैक्टर होते हैं तो आपको बहुत अच्छे चांसेस है लॉटरी और सट्टा जीतने के लिए। और दोस्तों, लॉटरी और सट्टा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स आज के कलयुग में राहु और केतु। अगर राहु केतु आपके स्ट्रांग होंगे पंचम नवम भाव में या 8th हाउस में तो आपको बहुत बड़ा गेन मिल सकता है। वैसे मैं ये कुंडली में आपको राहु केतु का एग्जांपल नहीं दे सकता क्योंकि मेष लग्न की कुंडली है, उसमें राहु केतु कारक नहीं। मान लेते अगर ये मकर लग्न की कुंडली होती तो इसमें राहु केतु कारक होते। और अगर दोस्तों यहाँ पे राहु या केतु, यहाँ पे ये दो हाउसेस में, यहाँ पे अगर अच्छे पोजिशन पे राहु या केतु होते या अनसर्टन गेन के हाउस में राहु या केतु होते, अगर ये मकर लग्न की कुंडली होती तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी में सक्सेस मिलने के। दोस्तों, ये कुछ योग हुए आपको अनसर्टन गेन दिलाने के लिए। मैं ऐसे ही योगों के बारे में बात करूंगा, आप मेरे साथ बने रहे। अगर आपको कुछ भी क्वेरी पूछनी है आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण।